गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर फर्स्ट ऑफ योर इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक एंड दैट इज फुटप्रिंट विदाउट फीट। एज आई टोल्ड यू ऑल इन आवर लास्ट क्लास दैट वी विल स्टडी द सेकेंड बुक ऑफ इंग्लिश और उस सेकेंड बुक का नाम है फुटप्रिंट विदाउट फीट। पीछे के क्लास में हम आपको इंग्लिश मेन बुक का फर्स्ट लेसन ए लेटर टू गॉड पढ़ाए थे। तो लास्ट लेसन हम लोग ए लेटर टू गॉड पढ़े थे, पहला चैप्टर का इंग्लिश मेन बुक। आज हम लोग ए ट्रायंफ ऑफ सर्जरी चैप्टर फर्स्ट इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर से पढ़ेंगे। द स्टोरी इज अबाउट ट्रिक ही स्मॉल डॉग जो कि काफ़ी पैम्पर्ड हो चुका है, स्पॉइल्ड हो चुका है एंड ओवरफेड हो चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा उसको खाना खिलाया जाता है उसकी मिस्ट्रेस, मालकिन जो रहती है रिच मिस्ट्रेस उसके द्वारा। उस एज ए रिजल्ट ही फॉल्स वेरी सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स ए वेटनरी सर्जन। तो क्वेश्चन है कि डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, डज द डॉग रिकवर। तो हमको देखना है कि कैसे जब वो बीमार पड़ता है एंड उसकी मिस्ट्रेस मालकिन, जब एक वेटनरी सर्जन जो कि डॉक्टर वेटनरी डॉक्टर रहता है जिसका नाम जेम्स हैरियट, जो कि ऑथर भी है, राइटर उसी ने लिखा है, आई करके जो एड्रेस किया गया वो नरेटर ही है। तो क्या वो सर्जन जो है वो सर्जरी के थ्रू उसको ठीक करता है या फिर क्या तरीका अपनाता है जिससे कि वो डॉग रिकवर होता है? तो दिस इज द वेरी दीज आर टू क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द चैप्टर। तो देर आर थ्री क्वेश्चंस बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, लेट्स कंसीडर दीज क्वेश्चन। द फर्स्ट वन इज व्हाई इज मिसेज पैम्फ्री वरीड अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी के बारे में चिंतित क्यों है, वरीड क्यों है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज ही डू टू हेल्प हिम, उसको ट्रिकी की मदद करने के लिए वो क्या करती है। और उसी में क्वेश्चन है इज सी वाइज इन दिस, क्या जब वो ऐसा करती है ट्रिकी की हेल्प करने का जो मेथड अपनाती है क्या वो सही थी, इस मेथड में वाइज थी। एंड हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी, आई जो है वो किसको रेफर करता है, ऑब्वियसली आई जो है नरेटर यानी जो वेटनरी सर्जन है उसको रेफर करता है। तो लेट्स गेट ऑन विद द स्टोरी। सो आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. He had become hugely fat like a blotted sausage with a leg at each corner. His eyes bloodshot and rheumy stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. Yes, the very appearance of Tricky made author or narrator worried. Kyun? Kyunki जब वो अपनी कार को उसके पास रोकता है स्ट्रीट में, अपने मिस्ट्रेस के साथ वो घूम रहा था कुत्ता, तो आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, उसके अपीयरेंस पे मैं शॉक था। क्यों? क्योंकि वो ह्यूजली फैट हो गया था लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज, सॉसेज मतलब मीट का, मांस का टुकड़ा जो होता है वो उसको बोलते हैं, लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज सॉसेज विथ ए लेग एट ईच कॉर्नर। हिज आईज, आंखें ब्लड शॉर्ट थी, लाल लाल थी एंड रूमी, रूमी मतलब वाटरी डिस्चार्ज उससे हो रहा था आँख या नाक से जब पानी आने लगता है तो उसको रूमी नोज या रूमी आइज बोलते हैं। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड उसका टंग जो था वो लॉल्ड लटक रहा था फ्रॉम हिज जॉ, जबड़े से। मिसेस पैम्फ्री हैस्टन टू, हैस्टन मतलब जल्दी से आई एक्सप्लेन करने के लिए, बताती है क्या कारण है कि ये ऐसा लिस्टलेस दिखता है, उसके पीछे रीजन बताती है। He was so listless, Mr. Harriet. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build him up, some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. Yes. Mrs. Pampery bolti hai ki chuki dog kafi listless, listless matlab without any energy or life. इसीलिए जो कि डॉग काफ़ी लिस्टलेस लग रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा, चूँकि ये मेल न्यूट्रेशन से सफ़र कर रहा है खाने की कमी से, तो इसीलिए मैं बिटवीन मील्स खाना जो रेगुलर आवर्स में खाता था उसके अलावा जो है मैं इसको क्या करती, मॉल्ट या कॉड लिवर ऑयल और हॉर्लिक्स ये सब रात को सोने समय दिया करती थी।
आर नथिंग मच रियली, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। सो ही टोल्ड दैट ही हैज़ सॉरी सी टोल्ड दैट सी हैज़ बीन गिविंग सम एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिज स्ट्रेंथ अप। एंड देर आफ्टर द नरेटर अगेन आस्क, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? क्या आपने स्वीट थिंग्स, मीठी चीज़ें जो मैंने आपको कट डाउन करने के लिए बोली थी, रिड्यूस करने के लिए, उसको कम देने के लिए, क्या आपने उस चीज़ को फॉलो किया? इस पर यह बोलती है, ओ आई डिड फॉर ए बिट, थोड़ा तो मैंने इस पर किया काम, बट ही सीम टू बी सो वीक, लेकिन वो इतना ज़्यादा वीक लग रहा था कि मैं आई हैड टू रिलेंट, मुझे जो है रिलेंट होना पड़ा, यानी ना चाहते हुए मुझे उसे फूड देना पड़ा। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, सो आई कॉन्ट बी टू रिफ्यूज़ हिम, चूँकि उसे क्रीम केक एंड चॉकलेट्स पसंद था, सो मैं उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकती, देने से अपने आप को मना नहीं कर सकी। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, दैट वॉज द ट्रबल, यही उसके साथ प्रॉब्लम थी, ट्रबल थी। क्या तो ट्रिकीज़ ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, उसकी एकमात्र फॉल्ट जो थी वो उसकी ग्रीड थी, उसका लालच था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, वो जो है कभी फूड रिफ्यूज़ नहीं करता एंड खाने से वो कभी मना नहीं करता। ही वुड टेकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, कभी भी उसको भोजन दो दिन या रात में कभी भी, तो ही वुड ही वॉज रेडी टू टैकल दैट फूड। एंड आई वॉन्डर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेज पैम्परी हैडन्ट मेंशनड, एंड मुझे तो अब इस बात की चिंता हो रही थी कि ये तो चॉकलेट केक्स, क्रीम केक्स, ये सब तो ऐसी चीज़ें थी जो कि वो मेंशन करी कि ये सब मैं दे रही हूँ इसको, इसके अलावा बाकी चीज़ें जो वो मेंशन नहीं करी है वो सारी चीज़ें क्या होगी? तो आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइजेस? ओके, सो एक तरीका ये होता है कि व्हेन यू ईट, व्हेन यू कांट हेल्प ईटिंग फूड, जब आप खाना खाते ही हो, जब फूड आपकी कमजोरी हो, तो अगर आप उससे आपका शरीर बहुत ज़्यादा मतलब शेपलेस हो रहा है, तो एक तरीका है कि एक्सरसाइज के थ्रू आप शरीर को के शेप को मेंटेन कर सकते हो। तो दैट्स वाई वो पूछता है वेटनरी सर्जन की, क्या आप उसे प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज दे रहे हो? इस पे ये जवाब देती है कि वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, बट हॉजकिन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विथ लम्बैगो, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। बोलती है कि हाँ थोड़ा बहुत तो वॉक ये मेरे साथ, जैसा कि आप अभी देख सकते हो, वॉक करने के लिए मैं अपने साथ तो लाती हूँ, लेकिन हॉस्किन जो कि उसका उसका गार्डनर था, वो बोलता है कि वो अभी पिछले कुछ दिनों से लम्बैगो, लम्बैगो जो है बैक पेन, लोअर बैक में जो पेन होता है, मस्कुलर पेन, उसको उससे उस डिजीज़ को बोलते हैं, उस बीमारी को। तो बोलता है चूँकि हमारा गार्डनर जो है वो लम्बैगो से डाउन है, उससे भी परेशान है, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। रिंग थ्रोइंग एक्सरसाइज जो है, रिंग थ्रो करके उसके बीच से वो डॉग जो है वो जंप करता है, तो वो एक्सरसाइज जो है मैं नहीं करा पा रही हूँ। तब इस पे नरेटर बोलता है, आई ट्राई टू साउंड सीवियर, मैंने ये कोशिश किया कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी सीवियर हो, थोड़ा सा स्ट्रिक्टली मैं बोला कि नाउ आई रियली मीन दिस, अब जो मैं आपको बोल रहा हूँ आई रियली मीन दिस, इसको आप सीरियसली लो। कैस क्या बोला वो, तो इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव यू मोर एक्सरसाइज, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। ओके, यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, बोलता है कि अगर आप अभी भी इसका फूड जो है वो कट डाउन नहीं किए, राइट डाउन अभी कट नहीं किए, एंड उसको ज़्यादा एक्सरसाइज आप नहीं दिए, तब जिस उसका नतीजा ये होगा कि ये बहुत ज़्यादा ही बीमार पड़ जाएगा, एंड इसीलिए अभी आपके पास मौका है, यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, अपने हार्ट को थोड़ा सा हार्डन करिए, मजबूत करिए, एंड उसको एक स्ट्रिक्ट डाइट जो है वो फॉलो कराइए। मिसेस पैम्परी रंग हर हैंड्स, बोलती है, ओह आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, मैं मुझे पता है कि आप सही बोल रहे हो, बट इट इज़ सो सो वेरी डिफिकल्ट, लेकिन ये मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट है। सी सेट ऑफ हेड डाउन अलॉन्ग द रोड एज इफ डिटरमिन टू पुट द न्यू डिज़ाइन इन टू प्रैक्टिस इमिडिएटली, ऐसा बोल के वो निकल पड़ती है, हेड डाउन है, एंड वो मन ही मन ऐसा मतलब लग रहा था जैसे कि वो डिटरमिन थी, मतलब दृढ़ निश्चय कर ली थी कि अब से जो है स्ट्रिक्ट रिजाइम, मतलब होता है डाइट चार्ट, चार्ट रूटीन जो है वो खाने पीने का, वो नया से अब उसको स्ट्रिक्ट डाइट चार्ट पे रखेगी अपने ट्रिकी को। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट, ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पैम्परी, मैंने
उसके प्रोग्रेस को देखा ग्रोइंग कंसर्न चिंता के साथ। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट, अपना जो छोटा सा कोट था उसमें वो टॉटरिंग मतलब बड़ा स्ट्रगल कर रहा था, मुश्किल से उसमें फिट इन हो रहा था, चूँकि वो काफ़ी शरीर उसका फैट हो गया था तो जो क्लॉथ थे वो उसको अब उतने अच्छे से फिट नहीं हो रहे थे, कसा हुआ हो रहा था। एंड बोलता है नरेटर कि ही हैड ए होल वार्ड्रॉब ऑफ दीज कोट्स, उसका एक वार्ड्रॉब था अलमीरा जो थी उसमें, उसके लिए अलग अलग वेदर के लिए, कोल्ड वेदर के लिए कोट था, रेनकोट वेट डेज के लिए था। एंड ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूप्ड इन हिज हार्डनेस, आई थॉट मुझे लग गया कि अब ज़्यादा समय नहीं होगा कि अब मिसेस पैम्परी का कॉल आएगा। एंड द एक्सपेक्टेड कॉल कैम विद इन ए फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में कॉल आया। मिसेस पैम्परी वॉज डिस्ट्रॉट, परेशान थी, हताश थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग पेंटिंग, डिडंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, यस डिडन्ट वॉन्ट टू डू एनी थिंग, यस। एक्सपेक्टेड कॉल जो कि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मिसेस पैम्परी के तरफ से आएगा, वो जल्द ही आया। कुछ ही दिनों में मिसेस पैम्परी काफ़ी डिस्टॉर्ट थी। क्यों डिस्टॉर्ट थी? क्योंकि ट्रिकी वुड ईट नथिंग, कुछ खा नहीं रहा था, इवन उसका फेवरेट डिश था वो भी खाने से रिफ्यूज़ कर रहा था। एंड सबसे चिंता की बात ये थी कि ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी। एंड ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग, वो सारा दिन पड़ा रहा था पेंटिंग, मतलब जोर जोर से हाँफ रहा होता। डोंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, डिडेंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, ना तो वॉक्स के लिए जाता, टहलने जाता, एंड ना ही वॉन्ट टू डू एनी थिंग, कुछ करना चाहता। आई हैड तो मैंने अपने प्लान्स एडवांस में बना लिए। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड, उसको बचाने का एकमात्र तरीका जो था वो ये था कि ट्रिकी को कुछ दिनों के लिए घर से बाहर ले जाया जाए, यानी उसके मिस्ट्रेस से उसे दूर ले जाया जाए, सो दैट कि वो स्ट्रिक्ट डाइट चार्ट के अकॉर्डिंग चल पाए। सो आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, मैंने उसके मिस्ट्रेस को सजेस्ट किया कि एटलीस्ट फोर्टनाइट 14-15 दिन के लिए इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, जिससे कि वो उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जा सके। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सूड, उसको लगा जैसे कि झटका लग गया हो कोई, सी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिडंट सी हर एवरी डे, वो पुअर लेडी श्योर थी कि अगर ट्रिकी उससे दूर हुआ तो वो मर जाएगा, पाइन मतलब रोएगा बिलखेगा अगर वो उसको एवरी डे नहीं देखे तो। बट आई टुक ए फिल्म लाइन, लेकिन मैं अपनी लाइन पे जो मैंने सोचा था उस पर एकदम फिर्म था, मजबूत था, डटा हुआ था। Tricky was very ill and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay and followed by Mrs. Pampery's wailing, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. तो मिस्ट्रेस तो हालांकि काफ़ी रोई बिलखी सुबह की कि नहीं ले जाओ, लेकिन नरेटर बोलता है कि मैं काफ़ी इस बार रेस्ट्रिक्ट था। एंड वो मतलब मिसेस पैम्परी वेलिंग करती रही, रोती रही, दर्द अपना शो करती रही, लेकिन उसके बावजूद राइटर बोलता है कि आई मास्ट आउट टू द कार, मैं कार की ओर बढ़ चला और मेरे साथ वो डॉग जो है वो ब्लैंकेट में रैप्ड करके मैं उसको ले जा रहा था, रैप मतलब लपेट के। द एंटायर स्टाफ, जो हाउस होल्ड का जितना भी स्टाफ था सब राउज्ड मतलब जग पड़ा। मेड्स जो थी वो रस्ट इन एंड ब्रिंगिंग द उसका डे बेड, नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, सपर बॉल, ये सारी चीज़ें उसके लिए अरेंज करने के लिए, उसका मतलब नरेटर को देने के लिए। नरेटर बोलता है रियलाइजिंग दैट, मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरे कार्ड में इतनी सारी स्टब्स, इतनी सारी चीज़ें आएंगी नहीं, सो इसीलिए मैंने ड्राइव करना शुरू कर दिया, रुका नहीं मैं। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मिसेस पैम्परी एक डिस्पेयरिंग क्राई के साथ, डिस्पेयरिंग मतलब निराशाजनक क्राई के साथ, थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स, एक पूरा आर्मफुल ऑफ लिटिल कोट्स जो है विंडो के थ्रू फेंकती है। एंड मैंने अपने पीछे सामने मिरर में देखा, मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर, जितने भी हाउस होल्ड के मेंबर्स थे सबके आंखों में, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, सारे लोगों के आंखों में आंसू था। दिस शोज द बॉन्ड दैट ईच मेंबर ऑफ द फैमिली शेयर्स विथ दैट लिटिल डॉग नेम्ड ट्रिकी। सो आउट ऑन द रोड आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाई माई साइड, जब मैं रोड पे पहुंचा तब मैं अपने बगल में
जो वो लिटिल डॉग था उसकी सिचुएशन को देखा, पैथेटिक लिटिल एनिमल जो कि गैस्पिंग मतलब हाँफ रहा था। मैंने उसके हेड पे पैट किया, थपकी दी एंड ट्रिकी मेड ए वेरी ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल। उसने अपने टेल को वेग किया, हिलाया। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड यू हैवंट ए किक इन यू बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू। बोलता है कि मुझे नहीं लगता तुम्हारे अंदर अभी किक है, मतलब थोड़ी भी एनर्जी बची है, लेकिन मुझे लगता है कि आई नो ए क्योर फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए क्योर, तुम्हारे लिए दवा उपलब्ध है, ऐसा वो सोचता है। ठीक है, अब फिर इसमें आगे जो हम लोग पढ़ेंगे उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। इज़ द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस? नरेटर क्या ट्रिकी के मिस्ट्रेस जितना ही रिच है? वट हाउ डज ही ट्रीट द डॉग? वाई ही इज टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट? वाई डज मिसेस पैम्परी थिंक द डॉग रिकवरी इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी? सो वी विल हैव द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस इन द लेटर पार्ट ऑफ द स्टोरी। तो मूविंग ऑन, आगे जब बढ़ते हैं, सर्जरी, एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्ज राउंड मी, मेरे चारों ओर से मुझे घेर लिया हाउस होल्ड डॉग्स ने। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज एंड वैन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड्स डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। जब वो सर्जरी टेबल पे आता है, सर्जरी वाले रूम में आता है, तो जितने भी हाउस होल्ड डॉग्स थे वो मेरे चारों ओर आ गए एंड ट्रिकी उन नॉइजी पैक, उन मतलब हल्ला गुल्ला करने वाले पैक मतलब झुंड जो था डॉग्स का, उसको डल आइज से देखता है, बुझी बुझी आंखों से। एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, कारपेट पे मोशनलेस पड़ा रहा। दूसरे डॉग्स उसके चारों ओर स्निफिंग अराउंड फॉर ए फ्यू सेकेंड्स एंड अंत में उन्होंने ये सोचा कि ये अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, तो इसीलिए उस डॉग को इग्नोर कर दिया। आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन ए वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट। फॉर 2 डेज आई केप्ट एन आई ऑन हिम गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third day, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. Yes, मैंने उसके लिए बेड प्रिपेयर किया, वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट, जहाँ पे दूसरे डॉग्स सोते थे उसी के जस्ट नेक्स्ट उसके लिए बेड तैयार किया। राइटर बोलता है, दो फॉर 2 डेज मैंने उस पर आइज रखी, मतलब आंखें नज़र रखी, उसको कोई फूड नहीं देता, सिर्फ प्लेंटी ऑफ वाटर प्रोवाइड करता। सेकेंड डे के ख़त्म होते होते थोड़ा सा वो जो है अगल बगल की चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाने लगा, शो करने लगा। एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर, वो जो है विम्पर मतलब रिप्लाई, बोलने लगा, भूखने लगा, जब उसके अगल बगल वो दूसरे डॉग्स की आवाज़ सुनता। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friends. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. जब मैंने डोर खोला तो ट्रिकी ट्रॉटेड आउट, बाहर की ओर घसीटते हुए शरीर को ले गया। एंड वाज इमीडिएटली इनगल्फ्ड, जल्दी उसको इनगल्फ कर लिया, घेर लिया जो जो कि ग्रे हाउंड था उसके द्वारा एंड उसके फ्रेंड्स के द्वारा, दूसरे डॉग्स के द्वारा। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरली इंस्पेक्टिंग हिम, उसको पूरी तरह से उन डॉग्स ने इंस्पेक्ट किया, देखा, जांचा, परखा। डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, सारे डॉग्स डाउन द गार्डन चले गए, ट्रिकी भी उसको फॉलो किया। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, आई वॉच्ड व्हाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इन टू द बॉवल्स। देर वॉज द यूजुअल हेड लॉन्ग रश फॉलोड बाई द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लियबल टू हैव सम कम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। उसी दिन, लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, खाना खाने के समय मैं प्रेजेंट था, मैंने देखा ट्रिस्टन जो कुक था वो स्लॉप द फूड इन टू द बॉवल्स, उसके कटोरे में डॉग्स के बॉवल्स में फूड दे रहा था। देर वॉज द यूजल हेड लॉन्ग रस, काफ़ी लंबा चौड़ा रस था, भीड़ भाड़ थी, द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, सारे जो कुत्ते हैं वो हाई स्पीड कुत्ते जब खाते हैं तो ऑब्वियस बात है वो ज़्यादा आवाज़ करते हैं, तो हाई स्पीड ईटिंग। एवरी डॉग, सारा डॉग ये जानता था कि अगर खाने में पीछे रह गया तो उसको अपना शेयर ऑफ फूड के लिए बड़ा लंबा और चौड़ा तगड़ा कंपटीशन फेस करना होगा। सो व्हेन दे हैड फिनिश्ड, ट्रिकी टुक ए वॉक राउंड द शाइनिंग बॉल्स लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम
एंड आई वॉज प्लेज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट। अगले दिन उसके लिए एक्स्ट्रा बॉल तैयार किया गया एंड मैं ये देख के काफ़ी प्लीज था कि वो खाने के लिए उसके तरफ उस बॉल की तरफ बढ़ा। फ्रॉम देन ऑन उसका जो प्रोग्रेस था वो रैपिड था, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट उसका नहीं हुआ, बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वायर्ड एवरी फ्यू सेकेंड मिनट्स। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेम्बर ऑफ द गैंग एंड अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट एमोंग द सैगी क्रू, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. हाँ, उसके बाद से उसका जो प्रोग्रेस था वो काफ़ी रैपिड था, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट उस पर नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वो दूसरे डॉग्स के साथ दौड़ता, खेलता, कूदता एंड वो जल्द ही एक्सेप्टेड मेम्बर ऑफ द गैंग, कुत्तों का जो झुंड था उसका एक एक्सेप्टेड मेम्बर बन गया। एंड वो फाइटिंग फॉर लाइक ए टाइगर, मील टाइम में वो भोजन के लिए एक टाइगर की तरह फाइट करता एंड रात को रैट्स हंट करता। इतना अमेजिंग टाइम, इतना अमेजिंग सिचुएशन उसके लाइफ में कभी नहीं आया। एंड ऑल द टाइम ऑल द वाइल मिसेस वैम्फ्री हॉवर्ड एनेक्सियसली इन द बैकग्राउंड रिंगिंग अ डजन टाइम्स ए डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स। इस बीच उसकी जो मिस्ट्रेस थी वो दिन में दर्जनों बार फ़ोन करती उसके लेटेस्ट हेल्थ बुलेटिन्स के लिए, न्यूज़ के लिए। आई डॉज द क्वेश्चन और राइटर हर एक बार उसका जब मिस्ट्रेस पूछती कि उसका क्वेश्चन तैयार हो अच्छा से होता है कि नहीं, उसका करेक्ट कोट अकॉर्डिंग टू वेदर पहनता है कि नहीं, ये सब क्वेश्चन को मैं इग्नोर करता, डॉज डॉप करता, मतलब टाल देता। लेकिन मैं उसको ये बात बता दिया ज़रूर कि आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वेलेसिंग रैपिडली। लेकिन मैं उसको ये बात ज़रूर बता दिया उसके मिस्ट्रेस को कि आपका जो कुत्ता है वो खतरे से अब बाहर है एंड कन्वेलेसिंग मतलब रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस, काफ़ी तेज़ गति से रिकवर कर रहा है। और बोलता है कि द वर्ड कन्वेलेसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस वैम्फ्री, सी स्टार्टेड। और मिसेस वैम्फ्री ने जैसे ही कन्वेलेसिंग वर्ड सुना उसको लगा कि उस पर कुछ जादू सा हो गया, वो जो है फ्रेश एग्स लाना शुरू कर दी, टू डजन एट ए टाइम, एक समय दो दर्जन एग्स लाती जिससे कि ट्रिकी के स्ट्रेंथ को बिल्डअप किया जा सके। फॉर ए हैप्पी पीरियड, काफ़ी अच्छे खासे समय के लिए मेरे पार्टनर्स एंड मुझे दो एग्स ब्रेकफास्ट में मिलने लगे, कर्टसी ट्रिकी। बट जब बॉटल्स ऑफ वाइन बिगैन टू अराइव द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन बिगैन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड। इट वॉज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड, लंच बिकेम ए सेरेमोनियल ओकेजन विथ टू ग्लासेज ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। और इस तरह जब वाइन पहुँचने लगा तब रियल ओकेजन जो है पॉसिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन स्टार्ट हुआ। ये जो वाइन था एक्चुअली ट्रिकी के ब्लड को एनरिच करने के लिए उसकी मिस्ट्रेस लाने लगी। एंड राइटर बोलता है कि ट्रिकी के ही सौजन्य से लंच हम लोगों के लिए भी एक सेरेमोनियल ओकेजन बन गया, एक उत्सव का ओकेजन बन गया। क्यों? क्योंकि टू ग्लासेज ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील हम लोग लेने लगे। ठीक है, तो वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट ए फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर ए फ्यू नाइट्स द फाइनल स्प्रिट वाज रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक। देयर वर डेज ऑफ डीप कंटेंट स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी। बोलता है राइटर कि वो जितने दिन ट्रिकी हम लोगों के साथ रहा वो गोल्डन डे था, डीप कंटेंट, काफ़ी संतुष्टि का एहसास होता। कैसे? तो सुबह में एक्स्ट्रा एग के साथ ब्रेकफास्ट की शुरुआत होती, मिड डे में वाइन मिलता, फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद ब्रांडी एंड रात में जब ख़त्म होता भोजन तो फायर के पास बैठ के दे वुड हैव ब्रांडी। इट वॉज ए टेम्पटेशन, मन में तो यही हो रहा था कि ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के रूप में ही रख लिया जाए, लेकिन आई न्यू मिसेस वैम्फ्री वॉज सफरिंग एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन। लेकिन एक सप्ताह के बाद जो है फोर्टनाइट के बाद मैंने उसके मिस्ट्रेस को कॉल किया एंड बताया कि आपका डॉग जो है वो अच्छे से रिकवर हो रहा है एंड आप चाहो तो इसको कलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से ले जा सकते हो।
विद इन मिनट्स 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रिव अप आउटसाइड द सर्जरी द शॉफर मतलब ड्राइवर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट ऑफ द फिगर ऑफ मिसेस पैम्पली ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर हर हैंड्स वेयर टाइटली क्लास्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर हर लिप्स ट्रेम्पल्ड ओ मिस्टर हैरियर डू टेल मी द ट्रुथ इज ही रियली बेटर। कुछ ही मिनट्स में जो उसकी कार लगभग 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल वो पहुंचती है एंड मिसेस पैम्पली उससे निकलती है एंड उसके लिप्स जो है वो ट्रैम्बल कर रहे थे। पूछती है राइटर से कि आप मुझे ये बताइए कि इज ही रियली बेटर। इस पे वो बोलता है यस ही इज़ फाइन देर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार आई विल गो एंड फैच हिम आपको जाने की ज़रूरत नहीं है मैं जाता हूँ लेके आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन एंड ए मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड इन देयर मिड्स ईयर्स फ्लैपिंग टेल वेविंग वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इन टू ए लीथ लीथ मतलब फ्लैक्सीबल हार्ड मसल्ड एनिमल ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स ही जस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड। एंड राइटर बोलता है कि मैं गार्डन में पहुँचता हूँ जहाँ पे मास ऑफ डॉग्स जो है वो घूम रहे थे एंड उसी बीच में ट्रिकी जो मैंने उसे देखा 2 weeks में वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गया था एक लीथ मतलब फ्लेक्सिबल हार्ड मसल्ड एनिमल में एंड वो दूसरे झुंड के दूसरे कुत्तों के साथ तेज़ दौड़ता था स्ट्रेच करता था एंड उसके चेस्ट ऑलमोस्ट ग्राउंड को ब्रश कर रहे थे। आई कैरीड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स एंड इन ए ट्रिमेंडस लीप एंड सेल्ड इन टू मिसेज पैम्फ्रीज लैप सी गेव ए स्टार्टल्ड ओह एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही स्वॉर्म्ड ओवर हर लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग। यस जैसे वो अपने मिस्ट्रेस के पास पहुँचता है वो उछल के राइटर के गोद से उछल के मतलब लंबी छलांग लगाता है और सीधा मिसेस पैम्फ्री के लैप में पहुँच जाता है एंड मिसेस पैम्फ्री स्टार्टल्ड मतलब थोड़ा हड़बड़ा जाती है ओह बोलती है एंड उसके बाद तो उसको अपने आप को डिफेंड करना पड़ा। वाई बिकॉज उस डॉग ने उसके पूरे फेस को लिक करना चाटना चूमना आरंभ कर दिया था शुरू कर दिया था। एंड ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द सॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स टॉयज कुशंस कोट्स एंड बॉल्स नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड एज द कार मूव्ड अवे मिसेस पैम्फ्री लीन्ड आउट ऑफ द विंडो टीयर्स शोन इन हर आईज हर लिप्स ट्रेम्बल ओ मिस्टर हैरियट सी क्राइड हाउ कैन आई एवर थैंक यू दिस इज ए ट्रायंफ ऑफ सर्जरी। बोलती है कि टीयर्स उसकी आंखों से बह रहे थे एंड उसकी ओठ कांपे बोलती है मिस्टर हैरियट मैं कैसे आपको थैंक यू करूं ये सही मायने में ट्रायंफ ऑफ सर्जरी है सर्जरी की जीत है। एंड सो द स्टोरी एंड्स हेयर। अब आप हमें ये बताइए कि वॉज इट रियली ए ट्रायंफ ऑफ सर्जरी एज मिसेस पैम्फ्री सेड नो इट वॉज नो इट वॉज नॉट इवन ए सिंपल सर्जरी तो ये क्या था सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्ट डाइट चार्ट फॉलो किया गया एंड एक्सरसाइज करवाया गया नतीजा ये कि कुछ ही दिनों में ट्रिकी वॉज हेल एंड हार्टी पूरी तरह से स्वस्थ हो गया एंड हेल्दी सा दिख रहा था। ठीक है नेक्स्ट अप इज द क्वेश्चन आंसर उसका क्वेश्चन आंसर आप लोग करेंगे अगले क्लास में हम आप लोगों को फिर से मेन बुक का चैप्टर 2 पढ़ाएंगे। तो रीड चैप्टर 2 एट होम एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू प्रिपेयर द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन। ओके थैंक यू वेरी मच हैव ए नाइस डे।